हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैंने बनाई हुई है। दो तरह का फैब्रिक यूज किया है, तो चलिए कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद ये जो डोरी है वो हम एक्सचेंज कर देंगे। ये इधर की डोरी इधर और इधर की डोरी इधर, दोनों साइड की डोरी जब हम एक्सचेंज करके बांधते हैं तो हमारी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इस तरह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लंबी डोरी ली हुई है। ये इस तरह से फिर ड्रेस खुलेगी भी नहीं और फिट भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं बांध दूंगी। और ये रेडीमेड वाली डोरी है, बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आप हाथ वाली डोरी बना के डाल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। देखिए यहाँ पे हम इनकी ड्रेस को इस तरह से सेट कर देंगे, तो आप देखें कितनी इजीली आ गई है और कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये ड्रेस अभी मैंने 6 नंबर की कान्हा जी को पहनाई हुई है। आप 5 और 6 दोनों साइज को पहना सकते हैं। ये देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये दो तरह का फैब्रिक लिया हुआ है, दो कलर में भी है ये। ये देखिए, ये हमारा चंदेरी का फैब्रिक है और ये हमारा कॉटन सिल्क का फैब्रिक है। अगर चौड़ाई दोनों की अगर आप देखेंगे तो दोनों की चौड़ाई हमारी है 4.5 इंच। ये देखें, ये इस तरह से 4.5 इंच है और इधर से भी ये हमारा 4.5 इंच है। और लंबाई अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह से यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 28 इंच। ये देखें यहाँ पे 28 इंच है और 28 इंच ही हमारा ये वाला भी है। हमें क्या करना है, दोनों को ये देखिए सीधा करके मैंने इसे रखा, इसके ऊपर उल्टा करके चंदेरी वाले को रखेंगे और दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। ये इस तरह से हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल के ज्वाइंट कर दिया है। अब नीचे से लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये टिश्यू रिबन का। इसे हम बहुत इजीली कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे हमें ऐसे इसे फ्रंट, ये सीधी साइड है हमारी, सीधी साइड पे हमने इस तरह से इसे मोड़ा। और मोड़ने के बाद हम ये टिश्यू रिबन लेंगे और टिश्यू रिबन को यहाँ पे देखें इस तरह से ऐसे रखना है। ये ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हमें सिलना है। तो देखिए इसके अंदर ये हमारा दब जाएगा, जो इसका हमारा रफ वाला हिस्सा है वो यहाँ पे दब जाएगा। इस तरह से हम एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर से लगाएंगे अपने पूरी लंबाई पे। ये देखिए, नीचे से हमारा लॉक भी हो गया है और हमारा लेस जैसा आ भी गया है, हमने टिश्यू रिबन लगा दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे प्लेट बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, ये ऐसे करके हमें प्लेट बनानी है। थोड़ी घनी ही प्लेट बनाएंगे, बहुत पतली पतली नहीं बनानी होती है। देखिए हल्की सी चौड़ी और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए प्लेट बनानी है। जब भी प्लेट बनाए तो दो चीज़ ध्यान दें। पहली चीज़ तो नीचे से हमारी प्लेट बराबर होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ऊपर तो हम नेफा लगा देंगे, बट नीचे से अगर बराबर नहीं रहेगा तो वही आपका जो सर्कल है वो पूरा एकदम गोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ हमने 3-4 प्लेट डाली और पहले इसे लॉक करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर लॉक कर दिया। यहाँ पर अपनी मशीन की सिलाई को छोटा कर लें और ये लास्ट प्लेट मेरी स्टिच हो गई। अब देखिए सुई अंदर गई, यहाँ से ऐसे उठाएँगे और ये इस तरह से मैंने एक प्लेट बनाई। ये देखें, ये दूसरी प्लेट बनाई, यहाँ पे ये तीसरी प्लेट बनाई ऐसे। ये देखिए नीचे से ऐसे बराबर कर दूंगी अच्छे से, और बराबर करने के बाद यहाँ पे ऐसे उंगली रखनी है चारों और यहाँ सिलाई लगा देनी है। देखिए कितना इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें इस तरह से लास्ट प्लेट जो ही हमारी सिलेगी, हम मशीन की सुई को इस तरह अंदर कर देंगे। अंदर करने का मतलब है जब पीछे से उठा भी देंगे तो ये आपका देखिए हिलेगा नहीं, यहाँ पे ये सेट रहेगा। अब फिर देखिए हमें यहाँ पे सेम तरीके से प्लेट बनानी है। ये मैंने एक बनाई, ये देखिए दो बनाई, ये हमने तीन बनाई। आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है आप, तो आप एक एक प्लेट बना के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए 3-4 प्लेट बनाई है और नीचे से इसे अच्छे से सेट करूँगी। सेट करने के बाद ऊपर की साइड से हमें इसे सिलना है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाई और लास्ट प्लेट स्टिच होते ही ये सुई हम अंदर कर देंगे।
बस अंदर गए, फिर से हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और देखिए सेम तरीके से हमें अपनी पूरी प्लेट बना लेनी है ये ऐसे करके। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए आधे पे हमारा ये कलर आएगा और आधे पे हमारा दूसरा कलर आएगा ये इस तरह से। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करती हूँ, जल्दी जल्दी से बना देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब सिलने के बाद यहाँ अगर आप इसकी कमर देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसकी कमर जो है वो मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने रखी है 5 इंच। हमें क्या करना है, ये हमने नेफे के लिए फैब्रिक ले लिया है। अगर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो हमने 2 इंच के करीब में रखी हुई है। हमें इसे इस तरह से मोड़ना है और मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे और 2 बार मोड़ के हम यहाँ पीछे की साइड से रख के और सिल देंगे। यहाँ पर हमें रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया। अब सिलने के बाद यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर दिया है और यहाँ पे ये जो रेसे वगैरह निकल रहे हैं इसे हम कट करके हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें कट कर देना है। बस इतना कट कर देने से थोड़ी सी हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब देखिए ये जो हमने पीछे नेफे के लिए लगाया है यहाँ पे जो 1/2 इंच है इसे अंदर मोड़ेंगे। अंदर मोड़ने के बाद हमने यहाँ पे ये डोरी ली है, डोरी को यहाँ हमें इस तरह से डाल देना है। ये देखें ये हमने डाला, डालने के बाद इसे पूरा यहाँ ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे स्टिच कर देती हूँ। यहाँ पे जब भी आप सिलाई लगाएं तो अपनी सिलाई को लॉक जरूर करें स्टार्टिंग और एंड में, और दूसरी चीज़ डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पे बना देते हैं चोली। तो चोली के लिए हमने यहाँ पे देखें दोनों कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई देखेंगे तो मैंने लगभग 7 इंच के करीब में रखी है, 7 इंच थोड़ा छोटा है, और चौड़ाई है हमारी 3 इंच। हमें क्या करना है, इधर से इस तरह से मोड़ा, इधर से भी मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमें सिल देना है। तो इसकी चौड़ाई अगर आप थोड़ी कम भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पीस को भी स्टिच करना है और यहाँ पे हम एक कोई भी गोल्डन कलर की लेस वगैरह लगा देंगे, आप टिश्यू रिबन भी लगा सकते। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों को रेडी कर दिया। अब रेड वाले की साइड हम ये ग्रीन वाला लगाएंगे और ग्रीन वाले की साइड हम रेड वाला लगाएंगे। तो देखिए दोनों को हमें इस तरह से लेना है ऐसे करके और यहाँ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद यहाँ नीचे की साइड हम वी शेप में थोड़ी दूर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, हमारी चोली रेडी हो गई है। अब यहाँ इसे हम सेंटर में रख के सिल देंगे और सिलने के बाद यहाँ पे एक बार हम गोल्डन वाली लेस अपनी अटैच करेंगे। तो आप चाहें तो ये सिलने के साथ साथ ही अटैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं साथ साथ में ही अटैच कर देती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी ड्रेस यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चलिए कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए बेटे गाइस यहाँ पे ड्रेस पहना दी है कान्हा जी को, बहुत ही सुंदर लग रही है और इसकी फ्रिल भी बहुत अच्छी आ रही है, पूरा एकदम आगे से पीछे तक अच्छे से कवर है। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। तो ड्रेस पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है तो आप जाके देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।